जय श्री कृष्ण बच्चों, आज देखो एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और ये असली जिंदगी जो होती है हमारी, जो रियल लाइफ होती है, उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है। कैसे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है? चैप्टर का नाम पढ़ो, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, जो बाहर मेन सप्लाई लाइन 220 वोल्ट 440 वोल्ट, ये क्या होता है? एसी होता है कि डीसी होता है? हाँ, ये एसी होता है, ये डीसी नहीं होता, ये अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो हमारे घरों में जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है, जो टर्बाइन से जनरेट होती है, वो एसी होती है। तो हमारे घरों में जो सप्लाई है वो एसी की सप्लाई होती है, डीसी की सप्लाई नहीं होती। डीसी तो बैटरी में होती है, जो बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, तो डीसी उसके अंदर होती है, वो डायरेक्ट करंट है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई है वो एसी की होती है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे करंट के बारे में, वो सब हम लोग ज्यादातर डीसी के बारे में पढ़ते थे, ठीक है? क्योंकि भाई जब तक हम लोग कांस्टेंट करंट को नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वेरिएबल करंट के बारे में कैसे जानेंगे? कांस्टेंट करंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको जान लें, फिर वेरिएबल की पढ़ेंगे। तो ये अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या है? एक तरह का वेरिएबल करंट होता है जो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को बदलता है, अपनी दिशा को बदलता है, समय के साथ अपनी दिशा को बदलता है। कभी आगे जाएगा तो कभी पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा तो पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा तो पीछे जाएगा, मतलब ये समय के साथ अपने डायरेक्शन को बदलता है। ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की पहचान यही है कि ये टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को बदलता है, ठीक है? इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, या इसी को एसी भी कहते हैं। एसी लिखे, मैं नोट कर देता हूं, अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद टाइम। अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद टाइम इन डायरेक्शन, वेरीज विद टाइम इन डायरेक्शन, दिशा में बदलता है। ये वैल्यू में तो बदलेगा नहीं बदले, कई बार ऐसा होता है कि भाई जो रेक्टेंगुलर करंट होता है उसके अंदर वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदलेगा, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, तभी अल्टरनेटिंग करंट कहा जाएगा। तो अब अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके कुछ ग्राफ होते हैं, वो मैं अल्टरनेटिंग करंट और टाइम के कुछ ग्राफ आपको बनाने जा रहा हूं। आपको पहचानना भी है कि एसी है कि डीसी है। जैसे मान लीजिए इधर टाइम है, इधर करंट ले लिया मैंने, इस टाइप का हो गया। तो ध्यान से देखें भाई, एक पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, मैंने करंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव है, यानी करंट कुछ देर आगे जाएगा कुछ देर पीछे जाएगा, तो ये एसी हो जाएगा। तो ये एक तरह का अल्टरनेटिंग करंट है। कुछ और मैं ग्राफ बना रहा हूं जहां पर आप पहचानेंगे और बताएंगे कि भाई एसी है कि डीसी है। ये मान लिया टाइम है, मान लिया करंट है, ऐसे हो गया। इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो करंट है ये एसी होगा कि डीसी, बताओ, सोचो, ये डीसी होगा, ठीक है? करंट बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा फिर घटा, लेकिन रहा तो पॉजिटिव ही ना, जा तो आगे ही रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही रहा। तो ये जो करंट है ये एसी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है? सॉरी, ये डायरेक्ट करंट है, डीसी बोलेंगे हम इसको, ये डायरेक्ट करंट हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे टाइप के करंट होते हैं जिन्हें हम लोग एसी करंट बोलते हैं। जैसे एक ये मान लीजिए इस तरह का है, इस टाइप का, ये जो करंट है ये भी एसी करंट बोला जाएगा। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर करंट कहते हैं, ठीक है? या जैसे अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में हो जाए तो इसको स्क्वायर करंट भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये रेक्टेंगुलर करंट कहा जाएगा, रेक्टेंगुलर एसी। ये साइनोसॉइडल एसी है क्योंकि ये फंक्शन साइन का फंक्शन होगा, ये वाला जो फंक्शन है ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो ये रेक्टेंगुलर एसी है। इसका नाम मैं लिख देता हूं, रेक्टेंगुलर एसी, ठीक है? उसके अलावा और भी तरह तरह के एसी होते हैं, तरह तरह के अल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं। जैसे एक अल्टरनेटिंग करंट इस टाइप का भी होता है, इधर टी है, इधर आई है, और ऐसा कुछ होता है, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसको सॉ टूथ करंट भी कहते हैं या ट्रायंगुलर एसी भी कहते हैं। इसका नाम ट्रायंगुलर एसी है, ट्रायंगुलर एसी, ठीक है?
ट्रायंगुलर एसी होता है, जैसे इसमें जो करंट होगा वो पहले बढ़ेगा, अपना पॉजिटिव रहेगा, फिर एकदम से नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर एसी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कोई भी तरह तरह के फंक्शंस होते हैं जो एसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, इंडिया में जो एसी, जो हिंदुस्तान के अंदर एसी इस्तेमाल होती है, उस एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में जो इस्तेमाल होती है, अलग अलग देशों में जो एसी इस्तेमाल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। यूएस के अंदर जो एसी इस्तेमाल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो एसी का इस्तेमाल किया जाता है वो 50 हर्ट्ज की एसी होती है। 50 हर्ट्ज की एसी का मतलब कि एक सेकंड में उसके 50 साइकिल होंगे। एक सेकंड में उसके 50 साइकिल होने का मतलब यह है कि एक सेकंड में वो 100 बार जीरो होगी। यानी कि यहां पर अभी आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई है ये एक सेकंड में 100 बार बुझ रही है और 100 बार जल रही है। 50 हर्ट्ज का मतलब, 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल, एक सेकंड में 50 साइकिल। और कोई भी साइन का जो एक साइकिल होता है, जैसे यहां साइन फंक्शन बना हुआ है, तो एक पूरा जो साइकिल है उसके अंदर 2 बार जीरो होगा, ये वाला जीरो तो इसके साथ शामिल किया जाएगा। तो हर साइकिल में 2 बार जीरो होगा और एक सेकंड में 50 साइकिल है, यानी एक सेकंड में ये ट्यूबलाइट 100 बार बुझ रही होगी, 100 बार जल रही होगी। दिखता नहीं, इतना तेजी से होता है वो, इतना फास्ट वेरिएशन होता है कि ह्यूमन जो आईज होते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। लेकिन एसी का बहुत फास्ट वेरिएशन होता है, बहुत तेजी से एसी वेरी करती है। तो इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो एसी इस्तेमाल होती है उस एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं, द एसी यूज्ड इन इंडिया इज ऑफ 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 100 साइकिल, इसका मतलब एक सेकंड में मेरा हाथ 100 बार ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब अगर आप इसका मतलब समझना चाहो, 50 हर्ट्ज को फील करना चाहो, तो एक सेकंड में आपका हाथ 100 बार ऐसे ऐसे कर रहा है, 2-3 बार से ज्यादा थोड़ी कर सकता है। तो एक सेकंड में अगर 100 बार मेरा हाथ ऐसे ऐसे करने लगे तो कुल मिला के फिर मेरा हाथ क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखते हो ना क्रिश वाली सिनेमा में, क्रिश इतना तेज चलता है कि दिखना ही बंद हो जाता है। ठीक है, या जो भी सुपरमैन की सिनेमा होती है उसके अंदर आप देखते होगे ना कि जब बहुत तेजी से कोई चीज आगे पीछे जाती है तो दिखना बंद हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही होगा इसके अंदर, जो 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज नाम एक छोटा सा नंबर है लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो एक सेकंड में चूंकि 100 बार ये ट्यूबलाइट जीरो हो रही है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर नेट आता है वो हमें जो पता चलता है वो हमें लगता है कि वो कॉन्स्टेंट करंट आ रहा है, लेकिन एसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब क्योंकि एसी लगातार वेरी कर रही है, तो लगातार एसी जो हम लोग इंडिया में एसी इस्तेमाल करते हैं 50 हर्ट्ज की होती है और वो साइन वेव एसी होती है। ये भी मैं नोट कर देता हूं, द एसी यूज्ड इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज एंड इट इज ए साइन वेव एसी, या साइनोसॉइडल एसी भी बोलते हैं जो बोलना चाहे, इट इज ए साइन वेव एसी। अब अगर मैं साइन वेव एसी यहां से देखूं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आप देखो तो ये एक साइकिल में पहले प्लस साइकिल जो होगा फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अब कोई चीज लगातार अगर वेरी कर रही है, लगातार वेरी कर रही है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जो भी उसकी एवरेज वैल्यू होगी उस एवरेज वैल्यू को निकालेंगे और उसके साथ हम लोग डील करना चाहते हैं। तो भैया देखो, अब हम लोग एसी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैसे एसी को रिप्रेजेंट किया जाए, दिखाया कैसे जाए एसी को। एसी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं या जो फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं या लैब के अंदर एसी का इस्तेमाल होता है। एसी का इस्तेमाल तो हम करते हैं, तुम करते हो, जो आदमी जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी, जो ले मैन है बिल्कुल, वो हिंदी भी नहीं पढ़ पाता है, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाता है, वो आदमी भी एसी का इस्तेमाल करता है। तो एसी का रिप्रेजेंट ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी को, कॉमन मैन को अच्छी तरह से समझ में आए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अब जैसे मान, अच्छा कई बार आप देखते हो कि बिजली के खंभे पे आप जाते हो तो बिजली के खंभे पे लिखा रहता है 220 वोल्ट, कहीं 440 वोल्ट लगा रहेगा, बीच में खोपड़ी बनी रहेगी, खतरा लिखा रहेगा। हाँ, तो इस तरह से एसी के बारे में बहुत कुछ ऐसे लिखा रहता है आप देखोगे। तो वो एसी को हमें रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि कॉमन मैन उस रिप्रेजेंटेशन को समझ पाए। कॉम्प्लिकेशन बड़ा होता है इसके अंदर, आई इज इक्वल टू जैसे आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मान लीजिए एसी का फंक्शन है। अब इस एसी का फंक्शन है तो कोई भी चीज अगर वेरिएबल है, वेरी कर रही है और हम उसको रिप्रेजेंट करना, जैसे मान लीजिए एक क्लास है,
ठीक है, क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई क्लास की हाइट बताओ, तो आप उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, सबकी हाइट लिखोगे, ऐड करोगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज हाइट आ जाएगी। या कहते हैं इंडिया की इनकम बताओ, पर कैपिटा इनकम इंडिया की बताओ, तो पर कैपिटा इनकम में आप क्या करेंगे, आप पूरी इनकम लिखेंगे इंडिया के सारे लोगों की इनकम जोड़ेंगे और पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, हालांकि वो बहुत कम आएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी भी कोई भी चीज अगर वेरिएबल है उसकी बहुत सारी वैल्यू है और कोई आपसे उसकी वैल्यू पूछेगा तो आप एवरेज वैल्यू बताओगे। एसी के अंदर भी लोगों ने यही प्रयास किया, यही कोशिश करी। तो अब एसी के अंदर अगर ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये इस तरह का है फंक्शन, तो अगर इस तरह का फंक्शन है तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अगर जो अल्टरनेटिंग करंट है इस अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू ली जाएगी तो एवरेज करंट तो सर्किट के अंदर जीरो फ्लो करेगा। ये जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू लोगे तो एवरेज करंट जीरो के बराबर हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन में हाफ साइकिल तक प्लस रहता है बाकी हाफ साइकिल तक माइनस रहता है, तो कुल मिला के जो एवरेज वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी। तो अब हम एसी को एवरेज से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि एवरेज कई बार मिसलीडिंग होता है, कई बार ऐसे एवरेज से हमें गलत जानकारी मिल जाती है। यहां भी देखो एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा गलत जानकारी मिल रही है, ठीक है, कि 220 वोल्ट की एसी फ्लो कर रही है और आप एवरेज निकालोगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो जीरो आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम एसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जो बिजली के खंभे पे लिखते हैं तो एक तो बिजली के खंभे पे ये लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कॉमन मैन इसको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, कहेगा ये क्या है, पता नहीं क्या लिख दिया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका क्या मतलब है। तो कॉमन मैन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आम आदमी को बताना है, तो आप आई इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी लिख नहीं सकते हो। आपने सोचा चलो ये वेरिएबल फंक्शन है आम आदमी नहीं समझ पाएगा, हम एवरेज वैल्यू निकाल के लिख दें, तो एवरेज वैल्यू अगर आप निकाल के लिखोगे तो एवरेज वैल्यू तो और ज्यादा गलत रीडिंग है। आपने मान लो 440 वोल्ट की एसी है, अब उसका जो एवरेज आया वो जीरो आया, अब जीरो आया तो आपने 440 वोल्ट के बजाय लिख दिया खतरा जीरो वोल्ट, तो किसी आदमी सोचा कोई आदमी लेमैन सोचेगा जीरो वोल्ट लिखा है चलो तार पकड़ लेते हैं, ठीक है, नाम नम सत्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस तरह से इसको दिखाऊंगा तो भी आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा, अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तब तो बंटाधारी हो जाएगा। एवरेज वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि फिर एवरेज वैल्यू तो एसी की जीरो ही आएगी, तो ना तो एवरेज वैल्यू एसी को सही से रिप्रेजेंट कर पा रही है ना ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो इसलिए एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास तरह का एवरेज डिफाइन किया गया, एक विशेष प्रकार का एवरेज डिफाइन किया गया है जो एसी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, और उस एवरेज को हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं। आरएमएस का मतलब होता है, आरएमएस वर्ड जहां पर लिखा जाता है आरएमएस, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है, आरएमएस का मतलब होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिखा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, लेकिन जब हम इसको दिखाते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उस फंक्शन का मीन लेते हैं, फिर उस फंक्शन का रूट लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ये आपका केटीजी में भी आता है, केटीजी में आरएमएस स्पीड आती है, तो किसी भी फंक्शन का अगर आरएमएस निकालना है आपको तो सबसे पहले तो आप उस फंक्शन का स्क्वायर करें, उल्टा पढ़ते हैं, लिखा है रूट मीन स्क्वायर लेकिन काम उल्टा करेंगे। स्पीड वर्ड नहीं है, स्पीड वर्ड तो केटीजी में आता है, यहां पर रूट मीन स्क्वायर आरएमएस का मतलब है। तो कोई भी फंक्शन है, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे करंट हो, या कोई भी चीज हो, चाहे वोल्टेज हो, तो अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे। किसी भी फंक्शन की जो आरएमएस वैल्यू आएगी, सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, ऐसा फंक्शन की आरएमएस वैल्यू आती है। अच्छा, किसी भी फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है, अगर किसी भी फंक्शन की एवरेज आप निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जी, इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो इसकी एवरेज वैल्यू आती है इंटीग्रल जी डीएक्स अपॉन इंटीग्रल डीएक्स। ये एवरेज की डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो उस वो इंटीग्रल जी डी एक्स अपॉन इंटीग्रल डी। जैसे मैं आपको बताऊं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे वी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। वी डी टी वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन यही तो होती है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मान लो कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वी इंटू डी टी
वीडीटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आपका इंटीग्रलिटी टाइम हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज की डेफिनेशन है जो कि आपने पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जो आरएम, किसी भी फंक्शन का आरएमएस निकालना है तो पहले आप स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद उसका मीन लेंगे, और फिर उसके बाद उसका रूट लेंगे। तो अब हम यहां पर जैसे कोई भी मान लीजिए वोल्टेज दिया हुआ है या कोई भी करंट दिया हुआ है और वो आरएमएस वैल्यू उसकी दे रखी है, तो आरएमएस वैल्यू दे रखी, सॉरी फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक फंक्शन दिया है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम इसका आरएमएस वोल्टेज निकालना चाहते हैं। ये v नॉट जो है ये कहा जाता है पीक वोल्टेज, v नॉट जो है इसको हम लोग पीक वोल्टेज के नाम से जानते हैं, v नॉट पीक वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसका आरएमएस वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सबसे पहले आरएमएस में सबसे पहले क्या था, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद इसका मीन लेंगे, इसका मीन लेंगे, वी नॉट तो कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज, साइन देखो साइन ओमेगा टी का एवरेज तो जीरो आएगा, जितना पॉजिटिव साइकिल होगा उतना नेगेटिव साइकिल होगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करते ये नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा का एवरेज तो जीरो आता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जब आपने किया तो आपने नेगेटिव वैल्यू सारी हटा दी, नेगेटिव सारी हटा दी तो सब पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव है तो उनका जो एवरेज आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने स्क्वायर किया, फिर उसके बाद मैंने इसका मीन ले लिया, और मीन लेने के बाद फिर मैंने इसका रूट ले लिया। तो अगर मैं इसका रूट लूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी नॉट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज आता है वो 1/2 आता है। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर, इस पूरे का रूट लिया गया है। तो अब यहां से जो वी आरएमएस आएगा, इसी चीज को हम वी आरएमएस कहते हैं, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, तो वी आरएमएस की जो वैल्यू आएगी ये बराबर जाएगी वी नॉट बाई रूट टू। ये आपको याद भी रखना है, जो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू अपॉन रूट टू के बराबर होती है, जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू अपॉन रूट टू के बराबर होती है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, कि जैसे मान लेते हैं कि पीक वैल्यू 100 है तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन रूट टू, या पीक करंट मान लिया 1 एम्पियर है तो आरएमएस करंट जो होगा वो 1/√2 के बराबर हो जाएगा, या मान लेते हैं कि आरएमएस करंट जो है 1 एम्पियर है तो पीक करंट 1 × √2 हो जाएगा, यानी जो पीक जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू अपॉन रूट टू होती है। चूंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस है आरएमएस का, एवरेज से हम दिखा नहीं सकते करंट को, तो आरएमएस का यहां पे बहुत ज्यादा महत्व है, और अगर आपसे कुछ कहा ना जाए तो जो भी वैल्यू दी जाती है वो आरएमएस मानी जाती है। जैसे आप सबने सुन रखा होगा कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, हमारे हाउस होल्ड जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की एसी है, तो अगर 220 वोल्ट की एसी है तो वो 220 क्या है बताओ, आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है, तो वो 220 बेसिकली पीक वैल्यू, सॉरी आरएमएस वैल्यू है। जब तक कुछ कहा ना जाए तो जो भी वैल्यूज दी जाती हैं वो आरएमएस वैल्यू से अज्यूम करी जाती हैं। आपसे बोल दिया 440 वोल्ट की एसी, तो 440 वोल्ट की एसी का मतलब वो उसकी आरएमएस वोल्टेज होगी। यानी इस चैप्टर के अंदर जब तक आपसे कहा ना जाए करंट और वोल्टेज, अगर कुछ नहीं बोला गया, आपसे बोला गया 10 वोल्ट की एसी, इसका मतलब वो 10 वोल्ट उसका आरएमएस वोल्टेज है, तो जब तक आपसे कहा ना जाए जो करंट या वोल्टेज है वो उनकी आरएमएस वैल्यू अज्यूम करी जाती है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख देता हूं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज एज्यूम्ड टू बी आरएमएस वैल्यू। जब तक कहा ना जाए तब तक करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू आती है। एक सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में, और भी लोग पूछते रहते हैं कि भाई 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी में कौन सी ज्यादा खतरनाक है। ये सवाल का जरा विचार आप करें कि 220 वोल्ट की डीसी और 220 वोल्ट की एसी में कौन खतरनाक है। तो 220 वोल्ट की एसी ज्यादा खतरनाक होती है, क्यों होती है सुने इसको।
अगर मैं आपसे कहता हूं 220 वोल्ट की एसी है, तो 220 वोल्ट तो उसका पीक वोल्टेज है ना, सॉरी आरएमएस वोल्टेज है, कुछ नहीं बोला जाता तो आरएमएस वैल्यू ही मानी जाती है। तो अगर आपसे 220 वोल्ट बोल दिया गया तो आरएमएस वैल्यू है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, तो जो वोल्टेज आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 220 इंटू रूट टू के बराबर जाएगा, ये लगभग आएगा 311 वोल्ट। यानी कि अगर आपसे बोला 220 वोल्ट की एसी, तो वास्तव में उस एसी की मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट होगी। तो अगर 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी बोली जाए, तो 220 वोल्ट की जो डीसी है वो तो 220 ही रहेगी, लेकिन जो एसी है वो कभी ना कभी 311 वोल्ट भी होगी, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 311 रही। और जब वो 311 होगी तो उसका झटका हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। इतना ज्यादा हार्मफुल होगा कि जब वो कभी जीरो भी होगी तो ऐसा थोड़ी कि हमारी बॉडी में एक बार उसने लॉस कर दिया तो जीरो होने पर रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर तो होने वाला नहीं है, वो तो वही कभी रहेगा। तो इसलिए 220 वोल्ट की जो एसी होती है, सेम वोल्ट की एसी और सेम वोल्ट की डीसी में एसी जो होती है वो ज्यादा हार्मफुल होती है, एसी ज्यादा नुकसानदायक होती है, अगर सेम वोल्ट की एसी और डीसी के अंदर हम लोग बात करें तो। आरएमएस का काफी महत्व होता है, जो आरएमएस करंट होता है उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको क्या करना है कि अब मैं आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं, इसपे जुड़े हुए कुछ सवाल बनते हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए करंट आई जो है ये दिया हुआ है 3 sin of 10 pi t + pi by 2, ये करंट मान लीजिए दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि भाई आरएमएस करंट बताओ, आई आरएमएस की वैल्यू निकालो। तो अगर आरएमएस करंट की वैल्यू पूछा गया है तो सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से भी चल सकते हैं, यहां पर तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जो भी पीक करंट है वो 3 के बराबर है। तो अगर पीक करंट 3 के बराबर है तो जो आरएमएस करंट होगा, जो भी आरएमएस करंट आएगा वो किसके बराबर जाएगा, 3/√2 के बराबर हो जाएगा। पीक करंट अगर 3 के बराबर है तो आरएमएस करंट जो आएगा वो 3/√2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आरएमएस करंट की जो वैल्यू आएगी ये 3/√2 के बराबर आ जाएगी। एक और सवाल दे रहा हूं मैं, छोटे छोटे सवाल हैं जिससे हम लोग बिल्कुल ऐसे जरा जरा से सवाल प्रैक्टिस के हिसाब से। एक ये करंट इसमें आता है सवाल, एक ये दिया हुआ है 3 sin ωt + 4 cos ωt। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आई आर एम एस की वैल्यू बताओ। ठीक है, फाइंड आई आर एम एस, इतने सा सवाल है ये, लेकिन यह है कि भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, आई की वैल्यू आ गई 3 sin ωt + 4 cos ωt। अब अगर हम आई आर एम एस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। सबसे पहला काम क्या था बताइए, पहला काम था स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरा काम क्या था मीन लेंगे, फिर तीसरा काम क्या था रूट लेंगे, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आरएमएस वैल्यू कही जाएगी। तो एक एक करके हम सब आरएमएस को उल्टा पढ़ेंगे, आरएमएस को पढ़ेंगे एसएमआर, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 sin ωt + 4 cos ωt का होल स्क्वायर, 3 sin ωt + 4 cos ωt का होल स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin ωt का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 sin² ωt। इसका हो जाएगा 16 cos² ωt। फिर ये हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा 12 × 2 = 24, तो जाएगा 24 sin ωt cos ωt। तो पहला काम हो गया भाई, पूरा पहला जो काम था वो पूरा हो गया। सबसे पहले मैंने स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 sin² ωt + 16 cos² ωt + 2ab, तो 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 हो गया 6 × 4 हो गया 24, तो 24 sin ωt cos ωt, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। अब पहला काम स्क्वायर हो गया, दूसरा काम क्या हो गया, मीन ले लिया मैंने, मैं इसका मीन लूंगा तो sin² ωt का जो मीन आएगा फिर इसका भी मीन होगा 16 cos² ωt का मीन होगा, अच्छा ये जो 24 sin ωt cos ωt, इसमें से दो बाहर ले लूं मैं और 2 sin A cos A को मैं sin 2A लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 12 sin 2 ωt, इसका भी मीन हो जाएगा।
तो जब पहला काम स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर मीन लूंगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का भी 1/2 होता है, और साइन थीटा का एवरेज 0 होता है। यहाँ स्क्वायर थोड़ी है, यहाँ तो साइन 2 ओमेगा t, ये भी एंगल ही तो है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 0 आ जाएगा, इसका एवरेज 1/2 आ जाएगा, इसका एवरेज भी 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 + 16/2, ये हो गया 25/2। तो अब काम अपना सारा हो चुका है। सारा का मतलब हमने स्क्वायर कर दिया, यहां पे देखिए स्क्वायर कर दिया, फिर उसका हमने मीन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मीन आ ही गया। अब उसके बाद क्या बचा, रूट निकालना। तो आई आर एम एस बेसिकली क्या होगा, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, तो ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डिवाइड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आरएमएस करंट की वैल्यू अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल, ये सवाल करें। करंट दिया हुआ है I = 3 + 4 sin ωt, ये करंट दिया हुआ है, हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालें। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू अगर निकालनी है तो आप 2 मिनट का पॉज लें, और पॉज लेकर के आरएमएस की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद हम मीन लेंगे, फिर उसके बाद हम रूट लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर कर देते हैं इसका, आप 2 मिनट का पॉज लेकर पहले खुद से कीजिएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो 8 + b² हो जाएगा 9 + 16 sin ωt + 24 sin ωt, ये हो जाएगा। पहले हमने स्क्वायर किया, फिर मैं मीन लेता हूं इसका, इसका मैं मीन लेता हूं तो ये 9 का जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 9 ही आ जाएगी, कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट ही आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आएगा, ये इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आएगा वो मैं लिखता हूं अभी 1/2 आएगा, और साइन ओमेगा टी जो है उसका एवरेज 0 आएगा। साइन फंक्शन का अगर एक पूरी साइकिल में आप एवरेज लेंगे तो एवरेज 0 आ जाएगा। तो 9 तो कांस्टेंट नंबर है, इसका एवरेज तो 9 ही आएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का 1/2 आ जाएगा, और साइन ओमेगा 2 का 0 आ जाएगा। तो 16/2 8 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। तो स्क्वायर लिया, मीन लिया, अब क्या करना है, रूट ले लेना है। रूट ले लेंगे तो आई आर एम एस जो है ये रूट 17 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन में हम लोग आर एम एस वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड है, नोट कर लें। देखो ये बड़ा बढ़िया एक मतलब सवाल आपके सामने रख रहा हूं मैं, देखेंगे आप इसको। तो इसके अंदर भी जैसे ये ट्रायंगुलर एसी कहा जाता है, इसका जो ट्रायंगल टाइप का वेव फंक्शन बनता है, तो इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि भाई आरएमएस वैल्यू निकालो, फाइंड द आरएमएस करंट, फाइंड द आरएमएस करंट, आरएमएस करंट की वैल्यू निकालो। पूरा 3 मिनट का पॉज लेंगे आप इस क्वेश्चन को करने के पहले, और फिर उसके बाद आरएस सर का सोल्यूशन देखेंगे, मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो इसका आरएमएस करंट निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, फिर मीन लेना होता है, फिर रूट लेना होता है। ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि जैसे यहां से यहां तक नेगेटिव है, अगर मैं इसी को पॉजिटिव कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो ये चीज जो यहां दिख रही है वो ऐसे दिखेगी, तो जो ये यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है और यहां से यहां तक, ये दोनों एक ही हो जाएंगे ना, क्योंकि मतलब ये जो नेगेटिव था वही पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू आनी है वही इसकी भी आएगी, वही इसकी भी, वही इसकी भी, वही इसकी भी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां से यहां तक का जो आरएमएस है, इस जगह से इस जगह तक का जो आरएमएस वैल्यू आएगी, वही यहां से यहां तक की भी आरएमएस आएगी, क्योंकि आरएमएस में नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाते हैं। हम जैसे स्क्वायर करते हैं नेगेटिव खत्म हो जाता है, ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो ये इस तरह के बजाय, ये ऐसे के बजाय ऐसे हो जाएगा ना फंक्शन। तो कहने का मतलब नेगेटिव साइकिल तो खत्म हो जाता है, तो जो इसकी आरएमएस वैल्यू आएगी वही इसकी आएगी, वही इसकी, वही इसकी। तो मुझे आरएमएस अगर निकालना है तो बस इतने पार्ट का आरएमएस निकाल दूंगा, इतने पार्ट का मैं आरएमएस निकाल लूंगा तो यही पूरे का आरएमएस हो जाएगा। अब इतने पार्ट का आरएमएस निकालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, ये यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है और वाई बराबर एमएक्स टाइप की स्ट्रेट लाइन है, तो आई बराबर हो जाएगा, ये इसका स्लोप कितना होगा अगर हम देखें y बराबर mx टाइप का, तो करंट i है और स्लोप हो जाएगा i नॉट, ये है अपॉन t, तो हो जाएगा i = i0 / T (t). ये तो करंट का फंक्शन हो गया। अब अगर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो i का स्क्वायर जो आएगा ये बराबर हो जाएगा i0² / T² (t). आई स्क्वायर जो आएगा
ये बराबर आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी स्क्वायर, ये आई स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद ये तो ये हो गया स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद इसका मीन लेंगे हम लोग, स्क्वायर ये था, फिर उसके बाद इसका मीन लिया जाएगा। जो मीन आएगा वो देखें, किसी भी फंक्शन का मीन मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आप फंक्शन f का एवरेज लेना चाहते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो हो जाएगा इंटीग्रल f dx अपॉन इंटीग्रल dx, ये एवरेज की डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है गणित के हिसाब से। तो अगर मैं इसका मीन लेना चाहता हूं तो आई स्क्वायर के मीन का मतलब हुआ कि मैं आई स्क्वायर का इंटीग्रल आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt ये निकालना है मुझे। मीन लेने का मतलब ये है, जिस भी फंक्शन का मीन लेना है इंटीग्रल f dx अपॉन इंटीग्रल dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt। अब आई स्क्वायर dt, आई स्क्वायर हमें पता है आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन इंटीग्रल dt लिमिट जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री लिमिट जीरो टू टी, इंटीग्रल डी टी का जो लिमिट आएगा वो टी आ जाएगा लिमिट जीरो टू टी। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये यहां से एक टी यहां से चला जाएगा, ये टी क्यूब है, हाँ टी क्यूब है, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब बाई थ्री टी, टी क्यूब यहां है और टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब, टी क्यूब से टी क्यूब चला गया, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई थ्री, ये हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और फिर मीन ले लिया, एक ही काम बचा है रूट लेना, तो अब हम इसका रूट लेंगे, जाएगा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर ये, तो ये बराबर जाएगा आई नॉट अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा। तो ये इसके आरएमएस करंट की वैल्यू आ जाएगी, आई आरएमएस जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट थ्री, इसके बराबर आ जाएगा।